और कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश बाश होंगे, खैर खैरियत से होंगे। सो व्यूअर्स, बच्चों की ईद की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। कल ईद है तो उन्होंने शोर मचा रखा था कि हमें मेहंदी लगाई जाए। तो ये देखिए, इस बच्ची के हाथ पे मेहंदी अप्लाई कर रही है। दूसरा हाथ दिखाएं, ये देखिए बहुत ही प्यारी मेहंदी लग रही है। अब दूसरी बच्ची का भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए मेरी बेटी के हाथ पर भी मेहंदी लग रही है, वो भी बैठी मेहंदी लगवा रही है। ताशफिन इधर देखें, ये देखिए जब कंप्लीट होगी तब मैं आपको कंप्लीट भी दिखाती हूँ। सो व्यूअर्स, बच्चों मेहंदी लगवा रहे हैं और बड़े किचन में ये खीर हम बना रहे हैं कल के लिए। ये देखिए ये भी तैयार होने वाली है बस। सो व्यूअर्स, ये देखिए मेरी बेटी के एक हाथ की मेहंदी कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरे हाथ पे इसके मैं खुद अप्लाई करूँगी, ये इसकी सिस्टर ने की है। सो व्यूअर्स, हमारी खीर तैयार हो चुकी है। ये देखिए हमने इसे बादाम पिस्ते बादाम से गार्निश भी कर दिया है, और खीर के साथ साथ हमने मीठे में फेनियाँ भी तैयार की हैं, जो कि छोटी ईद की सौगात हमने बड़ी ईद पर भी तैयार की हैं। ये देखिए जो कि सुबह सबको पेश करेंगे, जो गेस्ट आएंगे, घर वाले भी सब बच्चे, जब कुर्बानी हो रही होगी सब मज़े से ये खाएंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये मेरी भतीजी ने अपने हाथ में मेहंदी लगाई है खुद से ऐसे। तो ये देखिए हमारी कुर्बानी की गाय आ गई है, कल ईद है इसलिए आज इसे लेकर आए हैं। कि कितनी खूबसूरत है कुर्बानी, सुनते रसूल भी है, सुनते इब्राहिम ही है, जो कि हर उस शख्स पर फ़र्ज़ है जो इसकी साथ रखता है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है, बस अल्लाह पाक कबूल फरमाए। बच्चे भी इसे देखने के बहुत एक्साइटेड है, बाहर निकलना है। ये देखिए जब हर जगह सफाई हो रही है तो का पिंजरा क्यों पीछे रहे। ये देखिए पहले साफ़ करके पानी डालकर धोया जा रहा है अच्छे से।